बता रहा था कि अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर हमें तीन और अकाउंट्स बनाने हैं, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो इन तीनों के अकाउंट्स हम फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने फॉर्मेट बनाया है इसका, अकाउंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तीनों अकाउंट्स का नाम क्या क्या है? एक का है एबनॉर्मल लॉस, एक का है नॉर्मल लॉस और एक का है एबनॉर्मल गेन। तो तीन अकाउंट्स इस तरीके से बन गए। ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों अकाउंट्स को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो आप डबल एंट्री पूरी करेंगे, जैसे कि इनकी डबल एंट्री, तो यहां पे चला गया टू प्रोसेस ए अकाउंट 300 यूनिट्स, सॉरी ये तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है 200 यूनिट्स 350 के हिसाब से। नॉर्मल लॉस के अंदर ये चला गया टू प्रोसेस ए अकाउंट 300 यूनिट्स 75 के हिसाब से। इनकी भी डबल एंट्री पास कर दी हमने टू प्रोसेस बी 475 238 रुपीज के हिसाब से, और इसकी डबल एंट्री इधर चली जाएगी बाय प्रोसेस बी 75 एंड 225। सिमिलरली इसकी भी डबल एंट्री पास कर दी हमने, ये हो जाएगा टू प्रोसेस सी अकाउंट 272 272, और यहां पे हो जाएगा टू प्रोसेस सी 7। ओहो, ये अमाउंट मैंने गलत लिख दिया डबल एंट्री में, ये है 1156। ये हो जाएगा 728 728 728। इस तरीके से सबसे पहला स्टेप तो होता है इन तीनों अकाउंट्स के अंदर जो डबल एंट्री आ रही है उसको पूरा करिए। तो सबसे पहले तो मैंने जो जो डबल एंट्री आ रही थी उसको पूरा कर दिया, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के लिए। अब एक एक करके समझिए। पहले मैं आपको एबनॉर्मल लॉस समझाने जा रहा हूं। प्रोसेस ए और सी के अंदर एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, प्रोसेस ए के अंदर स्क्रैप कितना जनरेट हुआ होगा? एक्चुअल स्क्रैप कितना जनरेट हुआ होगा? 300 प्लस 200, 500 यूनिट का स्क्रैप जनरेट हुआ होगा ना, जिसमें से 300 का स्क्रैप तो मैं पहले से ही पता था कि होगा, ये बैंक में आ गया पैसा। और प्रोसेस सी के लिए 728 प्लस 272, तो 728 यूनिट्स का तो नॉर्मल लॉस के तौर पे स्क्रैप रिकवर हो गया, इतना तो हमें पहले से ही पता था। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देखिए, 200 यूनिट्स हमने सोचे थे कि बन जाएंगे, बट इतने यूनिट्स बने नहीं। अगर ये बन जाते तो उनका कॉस्ट इतना आता, और बच्चे कहते हैं कि सर जो भी एबनॉर्मल लॉस होता है ना इसको सीधा पीएनएल में भेजना चाहिए, ऐसा हमने पहले सीखा हुआ है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, जो भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की आइटम होती है इसको हम पीएनएल में भेजते हैं, इतनी कॉस्ट का हमें नुकसान हो गया, बट इस नुकसान में कुछ छुपा हुआ बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए 200 यूनिट्स हमने सोचे नहीं थे बट कहीं ना कहीं नुकसान हो गए। तो जब हमने इसको बेचा होगा तो प्रोसेस ए के 200 यूनिट्स बेचे होंगे हमने 25 पैसे के हिसाब से, तो ये 50 रुपए के बिके होंगे। इस नुकसान के अंदर ये कुछ हिडन छोटा सा ही सही बट बेनिफिट है। सिमिलरली प्रोसेस सी का भी 272 यूनिट जब हमने कचरे के दाम पे बेचे होंगे
तो ये भी 272 रुपीज लेकर आए होंगे हमारे पास। तो हमारा नेट नुकसान कितने का हो गया, 350 प्लस 1156 माइनस 50 प्लस सॉरी माइनस 272, तो 1184 इतना अमाउंट हमारा जाएगा कहां पे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। दोबारा से, इतने यूनिट सोचे थे कि बन जाएंगे बट बने नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, इतने का। अब इस नुकसान के अंदर कुछ हिडन बेनिफिट है, क्या है वो हिडन बेनिफिट, ये स्क्रैप का, इतनी यूनिट जब एडिशनली स्क्रैप जनरेट हुआ होगा तो हमने बेचा होगा मार्केट में जाके, वो 50 रुपए रियलाइज हो गए होंगे, बैंक में आ गए होंगे। तो इसी तरीके से ट्रीटमेंट हमने प्रोसेस सी के लिए भी किया, क्यों, क्योंकि प्रोसेस सी के अंदर भी क्या था, एबनॉर्मल लॉस। अब जब मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं, फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ाता हूं, बच्चे बहुत बारी कहते हैं सर कि एबनॉर्मल लॉस तो समझ में आ जाता है बट एबनॉर्मल गेन में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो इस वाले हिस्से को बड़े ही ध्यान से समझते हैं। देखिए, मुझे बताइए ये 475 यूनिट्स क्या है, हमने सोचा था कि कितने यूनिट्स स्क्रैप जनरेट होगा 475 का, बट 75 यूनिट्स हमारे एक्स्ट्रा बन गए, तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ होगा बताओ, 400 यूनिट्स का। यानी कि हमने कचरे के दाम पे सिर्फ 400 यूनिट्स बेचे होंगे और हमारी जेब में कितने रुपए आए होंगे, 200 रुपए। क्या 75 यूनिट स्क्रैप जनरेट हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो एबनॉर्मल गेन हो गया ना। अगर वो एबनॉर्मल गेन ना होता, अगर वो एबनॉर्मल गेन ना होता तो वो स्क्रैप जनरेट हो जाता और कहीं ना कहीं बैंक के तौर पर बिक जाता, बट क्योंकि 475 सोचे थे बट एक्चुअल में तो बैंक में 400 यूनिट्स को बेच के पैसा आया होगा, तो 75 यूनिट्स कम बिके, यानी कि 38 रुपीज हमारे पास कम आए। ये किसकी वजह से आए, ड्यू टू एबनॉर्मल गेन, जितना फायदा सोचा था उससे ज्यादा फायदा हो गया, इसी वजह से ये पैसे हमारे पास नहीं आए और इसकी डबल एंट्री यहां पे चली जाएगी, टू नॉर्मल लॉस 75 38। अब इसकी लैंग्वेज याद करते हैं, इतने यूनिट्स सोचे नहीं थे कि बन जाएंगे बट इतने यूनिट्स बन गए और इतने रुपए का हमें फायदा हो गया, बट इस फायदे में कुछ छुपा हुआ नुकसान है। नुकसान क्या है कि इतने यूनिट्स हमारे स्क्रैप के तौर पर बिक नहीं पाए, क्योंकि ये बिक जाते हैं तो हमें इतना पैसा भी तो आता ना, तो इस फायदे में कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ नुकसान है जिसकी वजह से यहाँ पे पीएनएल में कितना बैलेंस चला जाएगा इसमें से, इसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और ये तीनों अकाउंट्स को कॉपी करेंगे, इसी के साथ हमारा अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अब पूरा समझ में आ रहा हो कि क्या बात चल रही है, इसके अंदर किस तरीके से है। क्वेश्चन एक किया आपने, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा जैसे ही वीडियो खत्म हो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने करवाया है और एग्जाम में ज्यादातर मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। फटाफट से जैसे ही वीडियो खत्म हो इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करिए। थैंक यू वेरी मच, होपफुली आप सबको ये वीडियो हेल्प कर रही हो। जरूर कमेंट्स करिए अगर कोई डाउट हो, मेरे साथ कनेक्ट करिए अगर कोई डाउट्स हो। डाउनलोड करने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ ही रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करिए ताकि सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सके आपको। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।